अब भारत में ले सकेंगे आप कोरोना वैक्सीन मॉडर्ना फाइजर की खुराक। जाने कब आ रही है खेप। जी हां, भारत में मॉडर्ना फाइजर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में लॉन्च कर देगा। इसके लिए सिप्ला व अन्य भारतीय कंपनियों के साथ वार्ता जारी है। साथ ही एक अन्य अमेरिकी दिग्गज फाइजर इसी साल भारत को 5 करोड़ वैक्सीन देने को तैयार है। मॉडर्ना ने भारतीय अधिकारियों से कहा है कि इसके पास वैक्सीन की इतनी खुराकें नहीं हैं कि अभी वो शेयर कर पाए। पिछले सप्ताह कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में वैश्विक स्तर पर कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आए देशों के लिए वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कानून मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें ये भी चर्चा की गई कि 2021 में वैक्सीन देने के लिए मॉडर्ना के पास स्टॉक नहीं है, इसलिए 2022 तक ये भारतीय बाजारों में आ सकेगी। इसके लिए सिप्ला समेत अन्य भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। ये बताया गया है कि सिप्ला ने पहले ही 2022 के लिए मॉडर्ना से 5 करोड़ वैक्सीन के लिए डील कर ली है और केंद्र सरकार से इस पर स्वीकृति का आग्रह भी किया है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।